दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं एक ड्रामा कॉमेडी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें तीन हवस से भरी हुई नंस एक बहरे और गूंगे इंसान का फायदा उठाती हैं ताकि वो अपनी हवस को पूरा कर सकें। और इसके बाद क्या होता है ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं, जो कि एक डंकी को चर्च ले जा रही होती है। वहाँ पहुँच के उसकी मुलाकात सिस्टर जेनेवरा से होती है। जेनेवरा उससे पूछती है कि कल रात से वो कहाँ गायब थी। फर्नांडा उसे बताती है कि वो इस डंकी को ढूंढने गई थी। जेनेवरा उससे पूछती है कि बार बार ये डंकी कैसे भाग जाता है। वो दोनों इस बारे में बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ पे चर्च का माली लुरको उन्हें हाय कहता है, लेकिन बदले में वो दोनों उसे गाली देने लगती हैं। इसके बाद जेनेवरा डोंकी के बारे में हेड सिस्टर मारिया से कंप्लेंट करती है कि वो बार बार यहाँ से भाग जाता है, और वो कहती है कि इसे संभालने की जिम्मेदारी उसे दे देनी चाहिए। इसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं, जो अपने बेड पे बैठी हुई होती है। वो इस चर्च में अपनी लाइफ से परेशान हो गई थी, इसलिए वो अपनी लाइफ यहाँ से बाहर बिताना चाहती है। अगली सुबह उसके डैड एलेरियो उससे मिलने आते हैं और कहते हैं कि उन्हें उसके लिए लड़का नहीं मिला, क्योंकि लड़के वाले बहुत ज़्यादा दहेज मांग रहे हैं। अलेक्जेंड्रा उनसे कहती है कि वो चर्च में डोनेशन देना कम कर दें, जिससे वो दहेज के लिए पैसे जुटा पाएंगे, लेकिन इसके लिए लैरियो बिल्कुल मना कर देता है। इसके बाद तीनों सिस्टर अपने हाथ से बुने हुए कपड़े लेके जा रही होती हैं। तभी रास्ते में उन्हें लुरको मिलता है। वो उन तीनों को बुरी नज़र से देख रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए वो तीनों देख लेती हैं और उसे गालियाँ देने लगती हैं। इसके बाद वो तीनों उसकी पिटाई भी करने लगती हैं। दूसरी ओर फादर टोमैसो तीनों सिस्टर के बुने हुए कपड़े बेचने के लिए मार्केट जाता है, लेकिन तभी उसकी मुलाकात लुरको से होती है। वो फादर से कहता है कि वो अब इस चर्च में काम नहीं कर सकता है, क्योंकि तीनों सिस्टर ने उसकी पिटाई करी है और उसे गालियां भी दी हैं। फादर उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लुरको उसकी बात नहीं सुनता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम ब्रूनो को देखते हैं, जो अपनी वाइफ फ्रांसेस्का के साथ खाना खा रहा होता है। ब्रूनो उसे अपने फाइनेंसर के बारे में बता रहा होता है, लेकिन फ्रांसेस्का का पूरा ध्यान उसके नौकर मसीतो की ओर होता है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे होते हैं। उसी रात को वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और फिर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। फ्रांसेस्का मसीतो को बताती है कि उसका हस्बैंड ब्रूनो किसी काम का नहीं है और उससे कुछ नहीं हो पाता है। यह सुन के मसीतो कहता है कि चलो तुम्हें खुश करने के लिए फिर से इंटीमेट होते हैं। इसी दौरान ब्रूनो कमरे में आ जाता है। इससे पहले कि ब्रूनो देख पाता कि उसकी वाइफ के साथ कौन है, मसीतो खिड़की से कूद के वहां से भाग जाता है। ब्रूनो उसके पीछे भाग के सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचता है। मसीतो सोने का नाटक करने लगता है। फिर ब्रूनो सभी सर्वेंट के चेस्ट में हाथ रख के चेक करता है कि किसके दिल की धड़कन तेज है और कौन भाग के यहाँ आया है। मसीतो की दिल की धड़कन बहुत तेज थी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो मसीतो को पहचान नहीं पाता है। वो उसकी पोनीटेल काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे पता चल जाएगा कि वो कौन है। ब्रूनो के जाते ही मसीतो सभी सर्वेंट्स की पोनीटेल काट देता है। अगली सुबह ब्रूनो उसे सजा देने आता है तो वो देखता है कि सभी की टेल कटी हुई है और उस सर्वेंट ने उसे बेवकूफ बना दिया है। फिर फ्रांसेस्का एक बार फिर से मसीतो के पास जाती है, जो खुले में अपना काम कर रहा होता है। वो उसके पास जाके उसे किस करने लगती है और इंटीमेट होना चाहती है। ये सब ब्रूनो देख रहा होता है और अपने सैनिकों से मसीतो को पकड़ के लाने को कहता है। मसीतो अपनी जान बचा के जंगल की तरफ भागता है। भागते हुए उसकी मुलाकात फादर टोमैसो से होती है, जो कि नशे में धुत था। उसकी गाड़ी भी पलट गई थी और वो अपने कपड़े नदी में बहने से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। मसीतो उसके पास जाके उसकी मदद करता है। इस बात से फादर इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ चर्च ले जाता है। रास्ते में वो उसे समझा देता है कि वो चर्च में गूंगे और बहरे होने का नाटक करें, नहीं तो वहाँ की सिस्टर उसे बहुत परेशान करेंगी। अगली सुबह वो दोनों चर्च पहुँचते हैं, जहाँ फादर मसीतो की मुलाकात सिस्टर मारिया से कराते हैं। पहले तो सिस्टर उसे चर्च में रखने को नहीं मानती है, लेकिन टोमैसो के मनाने के बाद वो मान जाती है और उसे माली की नौकरी दे देती है। अगले दिन मसीतो अपना काम करने लगता है। तभी वहाँ सिस्टर फर्नांडा उसके पास जाती है
और कुल्हाड़ी लेके उसे डराती है और पूछती है कि वो कौन है। फर्नांडो को उसके बारे में नहीं पता था। तभी वहाँ सिस्टर मारिया आ जाती है और फर्नांडा से कहती है कि ये मसीटो है, वो यहाँ माली का काम करने आया है और वो गूंगा बहरा है। उसी रात फर्नांडा की एक दोस्त मार्टा उससे मिलने आती है और वो दोनों अलेक्जेंड्रा के रूम में जाके शराब पीने लगते हैं। कुछ देर बाद जेनेवरा भी वहाँ आ जाती है। शराब पीते हुए चारों एडल्ट बातें करने लगती हैं, जहाँ मार्टा उन्हें इंटीमेट होने के मज़े के बारे में बताती है। वो चारों ये बातों को बहुत इंजॉय करती हैं। नशे में होने की वजह से फर्नांडा और जेनेवरा एक दूसरे को किस करने लगती हैं और फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होती हैं। अगली सुबह मसीटो खुदाई कर रहा होता है, तभी उसके पास सिस्टर अलेक्जेंड्रा आती है। थोड़ी देर उससे बातें करने के बाद अलेक्जेंड्रा उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस करने लगती है। मसीटो भी मौके का फायदा उठा के उसके साथ इंटीमेट होता है, लेकिन तभी चर्च की घंटी बज जाती है और अलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर फर्नांडा और जेनेवरा कपड़े धो रही होती हैं, तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है और पिछली रात के बारे में बात करती है और कहती है कि काफ़ी मज़ा आया। फर्नांडा अलेक्जेंड्रा से पूछती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए, तो वो उसे बताती है कि वो मसीटो की गड्ढा खोदने में मदद कर रही थी। ये सुन के उन दोनों को यकीन नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने पहले कभी उसे काम करते हुए नहीं देखा था। एक दिन जेनेवरा फर्नांडा और उसकी दोस्त मार्टा को जंगल में जाते हुए देखती है। वो उनका पीछा करते हुए जंगल पहुंचती है, जहां दोनों बेलाडोना बना रही होती हैं। बेलाडोना एक पत्ता है और ऐसा माना जाता है कि उसे यूज करने के बाद मर्दों को अट्रैक्ट किया जा सकता है। मार्टा बेलाडोना फर्नांडा की आंख में डालती है और उसकी उंगली में एक कट लगा के उसका खून पीने लगती है। इसके बाद वो दोनों मसीटो के कमरे में पहुंचती हैं और उसे सड्यूस करने की कोशिश करती हैं। मसीटो भी अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वो तीनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। ये सब करने के बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाती हैं। अगली सुबह बिशप चर्च में आता है। तमैसो और मारिया बिशप को चर्च का दौरा कराने ले जाते हैं। मौका देख के मसीटो अलेक्जेंड्रा के कमरे में घुस जाता है और उसके साथ इंटीमेट होता है। इसी दौरान एक बूढ़ी नन कमरे में आ जाती है। उसे देख के मसीटो के मुंह से ओ शिट निकल जाता है। ये सुन के अलेक्जेंड्रा हैरान हो जाती है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करके उस बूढ़ी नन की मदद करने लगती है। मसीटो बेड के नीचे छुप जाता है। वो नन बहरी थी, इसलिए उसने उन दोनों को ये सब करते नहीं देखा था। मसीटो मॉल का देख के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ मारिया और बिशप आ जाते हैं, इसलिए मसीटो फिर से बेड के नीचे चला जाता है और सभी के जाने के बाद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जेनेवरा भी बेलाडोना बनाने लगती है। वो उसे आँख में डालने की बजाय उसे पी लेती है, जिससे उसका दिमाग घूमने लगता है। फिर वो अपने हाथ में कट लगा के खून को अपने गालों में लगा लेती है। इसके बाद अलेक्जेंड्रा मसीटो के रूम में जाती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा बहरा है। तभी वहाँ जेनेवरा आ जाती है। उसे देख के अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाके छुप जाती है। बेलाडोना के नशे की वजह से जेनेवरा मसीटो को किस करने लगती है। इतने में वो फर्नांडा की आवाज़ सुनती है और कोने में जाके छुप जाती है, जहाँ वो अलेक्जेंड्रा को देखती है और चौंक जाती है। फर्नांडा रूम में आके मसीटो को चाकू दिखा के उसका किडनैप कर लेती है और उसे अपने साथ जंगल ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनेवरा उसका पीछा करती हैं। जंगल पहुँच के वो जो देखती हैं उसे देख के वो शॉक हो जाती है। वो देखती हैं कि बहुत सी नंगी बिचेस आग जला के वहाँ नाच रही हैं और बीच में मसीटो बंधा हुआ है। ये देख के वो समझ जाती हैं कि फर्नांडा और मार्टा मसीटो की बलि चढ़ाने वाली हैं। मार्टा मसीटो को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ जेनेवरा पहुँच जाती है और उन चुड़ैलों को मारने लगती है। मार्टा जेनेवरा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नशे में होने की वजह से जेनेवरा पास में पड़े एक डंडे से उसे मारने लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ अलेक्जेंड्रा भी आ जाती है और फर्नांडा को मसीटो की हत्या करने से रोक लेती है। इतने में मसीटो भी अपनी सच्चाई बताने लगता है कि वो बहरा और गूंगा नहीं है। खून में लथपथ जेनेवरा बिना कपड़ों के चर्च पहुँचती है। वो चिल्लाते हुए सभी को इकट्ठा करती है। उसकी आवाज़ सुन के बिशप भी उड़े आते हैं। वो उसके पास जाते हैं, जहाँ जेनेवरा उनसे कहती है कि फर्नांडा एक विच है। तभी वहाँ फर्नांडा अलेक्जेंड्रा और मसीटो भी आ जाते हैं। फिर बिशप मारिया को बाहर बुलाते हैं, लेकिन तभी उनके कमरे से फादर टमैसो भी बाहर आते हैं। उन्हें देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह बिशप सभी को सजा सुनाते हैं। वो फादर को
मॉन्ग बना के एक दूसरे चर्च में भेज देते हैं जहाँ सिर्फ मर्द ही रहते हैं, और वो मसीटो को वापस ब्रूनो के पास भेज देते हैं जहाँ ब्रूनो मसीटो को काल कोठरी में डाल देता है। इधर तीनों सिस्टर अपने गलत बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती हैं। उन तीनों को मसीटो की बहुत चिंता हो रही थी। इधर काल कोठरी में मसीटो अपनी सज़ा काट रहा होता है। एक रात ब्रूनो उसके पास आता है और उसे बताता है कि उसने अपनी बीवी फ्रांसेस्का को जंगली सुअर और कुत्तों के साथ रखा है। वो कहता है कि जब तक वो खुश है वो उसे जिंदा रखेगा और उसके बाद वो उसे मार देगा। फिर वो उसे तरह तरह के टॉर्चर मेथड के बारे में बताता है जो वो उसके साथ आने वाले दिनों में करेगा। तभी हम वहाँ एक कछुए को देखते हैं जिसके पीठ में एक मोमबत्ती जल रही होती है। दरअसल उसे उन्हीं तीन सिस्टर ने भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाते हैं वो तीनों सिस्टर मसीटो के पास जाती हैं और उसे नन वाले कपड़े पहना के वहाँ से ले जाती हैं। जेनेवरा मसीटो की जगह वहाँ एक पुतला रख देती है जिससे सैनिकों को लगता है कि वो मसीटो है। फिर वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। इधर जंगल में भटक रहे टमैसो की मुलाकात मारिया से होती है। वो एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। तभी उन्हें सिस्टर और मसीटो के आने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुन के वो छुप जाते हैं। उन चारों के जाने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं, और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।